वडोदरा शहેરના માંજલપુર વિસ્તારમાં આવેલી રેલવે યુનિવર્સિટીમાં હોસ્ટેલમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓએ આજે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો। યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલમાં એક રૂમમાં બે વિદ્યાર્થીઓની વ્યવસ્થા હોવા છતાંય યુનિવર્સિટી સત્તાધીશો દ્વારા એક રૂમમાં ત્રણ વિદ્યાર્થીઓને રહેવા માટે મજબૂર કરતા આજે મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ ભારે સૂત્રોચ્ચાર કરીને વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો। દેશની સર્વપ્રથમ રેલવે યુનિવર્સિટી વડોદરામાં સ્થાપવામાં આવી છે, જ્યાં રેલવેને લગતા વિવિધ અભ્યાસક્રમ ચલાવવામાં આવે છે। અહીં દેશભરમાંથી વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ માટે આવ્યા છે અને યુનિવર્સિટી દ્વારા આપવામાં આવેલી હોસ્ટેલમાં રહીને તેઓ અભ્યાસ કરે છે। હોસ્ટેલમાં એક રૂમમાં હાલ સુધી બે વિદ્યાર્થીઓ રહેતા હતા। બે વિદ્યાર્થીઓ રહી શકે એટલી જ વ્યવસ્થા ધરાવતી રૂમમાં હવે યુનિવર્સિટી સત્તાધીશો ત્રણ વિદ્યાર્થીઓને રહેવા માટે મજબૂર કરી રહ્યા છે। વિદ્યાર્થીઓએ આ અંગે યુનિવર્સિટી સત્તાધીશોને રજૂઆત કરી હોવા છતાંય તેઓ પાસે રજૂઆત કરવાનો અધિકાર નથી તેવો ઉદ્ધત જવાબ મળતા આજે વિદ્યાર્થીઓએ આંદોલનનું શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે। આજે રેલવે યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓએ ભેગા મળી ભારે સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો અને યુનિવર્સિટી દ્વારા આ નિર્ણય પાછો નહીં ખેંચાય તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી। आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो सिर्फ केवल आज के मुद्दे पे नहीं है, चार साल से जो स्टूडेंट जो समस्याएं झेल रहे हैं उन मुद्दों पर है। आज जो चीज़ ट्रिगर की वो ये की गई कि जब हम लोग अपनी समस्याएं लेकर रजिस्ट्रार साहब के पास गए, उन्होंने ये कहा कि हम दो नहीं तीन रखें चार रखें, आपका कोई हक नहीं बनता कुछ बोलने का। जबकि हमसे फीस जो ली गई वेबसाइट में क्लियरली लिखा था ये कि ट्विन शेयर बेसिस पे रूम पे फीस ली गई, उसके बावजूद और भी समस्या है। ये जो बिल्डिंग है इतनी सी बिल्डिंग में 750 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखेंगे लाइब्रेरी फैसिलिटीज कुछ नहीं है यहाँ। 2.5 लाख रुपये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बावजूद 2.5 लाख रुपये फीस है, 5,000 रुपये एक हॉस्टल में एक बच्चे से आप महीना ले रहे हैं। मतलब थर्ड बार जो है सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले, प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, और उसके बावजूद जैसा कि हम मांग कर रहे हैं वो मांगों को भी सुना नहीं जा रहा है, ना उस पर ध्यान दिया जा रहा है। पढ़ाई के लिए 8-8 घंटे तक एक ही लेक्चर जी। तो जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे परमानेंट फैकल्टी नहीं है, सिर्फ विजिटिंग फैकल्टी है, और परमानेंट फैकल्टी और जो भी स्टाफ यहाँ पे रिक्रूट होता है वो बहुत बड़ा स्कैम है। उसमें सब अपने रिलेटिव्स को ले आते हैं इन लोग। आप देखेंगे दो सरनेम्स कंपेयर कीजिए, सब लोग फैमिली से निकलेंगे, दो तीन घर के एक एक ही लोग, कोई रिक्रूटमेंट का कोई प्रोसेस नहीं है, जो जैसा मन करता है वैसा करते हैं। उसके बावजूद अब परमानेंट फैकल्टी मिल नहीं रही है इनको, विजिटिंग फैकल्टी आती है, वो आती है दूसरे मुंबई अहमदाबाद ये सब जगहों से आती है, अच्छी जगहों से आती है, पर उसमें वो चाहते हैं कि तुरंत कंप्लीट करो, एक सेमेस्टर का कोर्स 1-2-3 दिन में कंप्लीट करके वो चले जाते हैं। तो इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, प्लेसमेंट के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। आप 2.5 लाख रुपये फीस दे रहे हैं, उसके बाद 1 लाख रुपये सालाना का प्लेसमेंट लग रहा है, वो भी क्रेडिट कंपनी में जाके कार्ड भेजो, वो भी सिर्फ नाम मात्र के लिए कि उनको रिकॉर्ड्स में दिखाने का मौका मिले। मैं आकाश अभिनव हूँ, मैं यहाँ पे सेकेंड ईयर का BBA का छात्र हूँ। देखिए कॉलेज प्रशासन ने अपना दिखावा ऐसा कर दिया कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ हो गया है, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। हमारा पहला मांग है कि इन्होंने जब हमारा एडमिशन हो रहा था तो साफ कहा था कि हमारा जो हॉस्टल है उसमें एक रूम में दो ही बच्चे रहेंगे, बट अब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि हम तीन बच्चे कर रहे हैं। जब हम ये मांग लेके डिप्टी रजिस्ट्रार के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारी मन हम तीन करें चार करें, आप कौन होते हैं जो पूछ रहे हैं। तो देखिए ये बहुत ही गहरा मुद्दा है, हम अपना और फैसिलिटीज़ जो दे रहे हैं हमें हॉस्टल में तीन बच्चों में वो इनफ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि जब हम कॉलेज में आ रहे थे तो हमारा प्लेसमेंट का जो मुद्दा है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा था हमारे लिए, बच्चे के भविष्य, माँ बाप बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं और उसके बाद 100 बच्चे में मात्र 20-25 का प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। और इसमें बहुत ही मतलब गहरा मुद्दा है बच्चों के लिए, और हम यहाँ आज जुटे हैं कॉलेज प्रसांगण में कि हमें अपने मांग को बहुत पीसफुली रखना है, प्रोटेस्ट करना है, हम कोई भी तोड़फोड़ ये सब नहीं कर रहे, बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे और एडमिनिस्ट्रेशन से अपना हक मांग रहे, और हक मांगने का हमारा अधिकार जो है उसको हम हम लोग यहाँ पे 750 से 1,000 स्टूडेंट है जो अपने मांग को लेके खड़ा हुए। सब्सक्राइब करो फैक्ट फंडर न्यूज चैनल ने अने यूट्यूब पर बेल आइकन दबावी समाचारों ने तमाम अपडेट मेड़वो।